हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल महेश ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों आज बात करते हैं अंबे माँ की मूर्ति की, और जो मूर्ति है दोस्तों उसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया गया नहीं है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा इसलिए। और आप देखिए कैसे कैसे उसको पेंटिंग किया, पहले क्या किया, पहले मतलब बाद में क्या किया, वो सब डिटेल में थोड़ा बताया मैंने। और बनने के बाद फिनिशिंग देखिए, उसका वार्निश वगैरह कैसा मारा है देखिए, मतलब वार्निश मतलब उसको लेकर। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्ते दोस्तों, सो देखिए अभी आज अपन अंबे माँ का पेंटिंग वीडियो बनाने वाले हैं, पर दोस्तों इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं रहेगा क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा दो तीन स्टेप में दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा कच्चा पीस ऊपर आ चुका है दोस्तों, जो कि अंबे माता का है। अब देखिए वाइटनेस में बनने वाला है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों चारों कोने से देख लिया दोस्तों, सो अभी चालू कर दिया पेंटिंग। और दोस्तों जैसे कि इसकी स्प्रे पेंटिंग शुरुआत होती है दोस्तों अभी, क्योंकि ज़्यादातर कलर उड़ता है इसलिए अपन पहले स्प्रे पेंटिंग मारते हैं, फिर हैंड पेंटिंग वाला कलर मारते हैं। सो जब देखिए दोस्तों हैंड, और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों उसका अपन अभी हैंड पेंटिंग करेंगे, और स्प्रे पेंटिंग तो हो चुका ही है फाइनली। अभी उसका बाल और उसकी लाल वाली साड़ी मारेंगे जो कि फुल स्टेप में रहेंगी आपके लिए। सो दोस्तों देखिए अभी इसका मुकुट वगैरह गोल्डन लेकर के बाद होगा दोस्तों। सो अभी एक बार उसका सिनेमेटिक देखिए और आपको दिखाएंगे हैंड पेंटिंग के बाद। और दोस्तों इसमें क्या है, ज़्यादा हमने वक्त नहीं लिया और ज़्यादा इसमें कुछ काम दिखाया नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें काम थोड़ा कम था और ज़्यादा वक्त नहीं था अपने पास, तो इसलिए मैं। सो दोस्तों अभी देखिए उसका 4 इंच का भी पीस है अपने पास, जो कि छोटी आंबे माँ की मूर्ति है और जो कि 6 इंच का है, मतलब 2 मॉडल आपने लिया है पेंटिंग के लिए। स्प्रे पेंटिंग फाइनल हो चुका है दोस्तों, स्प्रे पेंटिंग है दोस्तों, आपने शेर मारा है, उसका कमल मारा है, और जो ज़मीन का होता है वो मारा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों डायरेक्ट वार्निश दिखा रहा हूँ मैं, अभी देखिए फुल फिनिशिंग में रेडी पीस है अंबे माँ का। देखिए दोस्तों गोल्डन उसका नाखून वगैरह शेर वगैरह मारने के बाद देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं अपन ने कैसा मूर्ति बनाया है। और दोस्तों अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों उसमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, और जैसे कि कंपनी आपको मालूम है 8 घंटे चल रही है, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है, और 8 घंटे इसलिए चल रही है दोस्तों क्योंकि मार्च एंडिंग में थोड़ा काम कम रहता है, सबका अपना अपना हिसाब का सिस्टम रहता है, इसलिए काम थोड़ा कम रहता है, इसलिए अपन ने भी काम थोड़ा कम ही रखा है। और अभी जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे अच्छे अच्छे आपको उसके अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए क्योंकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पड़ता रहे। और दोस्तों मैं शॉर्ट्स भी अच्छे अच्छे डालते रहता हूँ, वो शॉर्ट भी देखिए कैसा लगता है आपको। और गणपति पप्पा मतलब जितने भी अपने आइडल्स है, ज़्यादातर अपने पास गणपति पप्पा का आइडल है और उसका ज़्यादातर मैं शॉर्ट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी देख लिए इतना ही दोस्तों, बाय।